हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 7:50 पर। अभी अभी जो है धूप लग चुकी है सुबह की, और अभी जो है हम सुबह सुबह जा रहे हैं घास ढोने के लिए, तो चलते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, और अभी निकल चुकी है धूप। दोस्तों सुबह सुबह जो है हमें बहुत दूर जाना पड़ता है घास के लिए। लगभग यहाँ से जाएंगे हम 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ से लाना है हमने घास पटड़ी में। तो रास्ता वहाँ से है पीछे से, वो नीचे से नाले से होकर आना पड़ता है, तो बहुत लंबा स्पेस है। रास्ते में बता दें, हमारी यहाँ पर बहुत सारी नंगाले हैं, तो इनके बनते हैं कीड़े और छाबड़ू वगैरह, बहुत सारे काम आ जाती है, और ये घास के लिए भी काम आ जाती है पशुओं के लिए। आज तो अभी हम पहुंच चुके हैं पटड़ी में, घास के फाट में। यहाँ से उठा के ले जाना है अब हमने घर, तो वहाँ इससे सामने दिख रहा है हमारा गांव, तो यहाँ ले जाना है हमने अभी घास, वहाँ से होकर और पीछे नाले से होकर। सो गाइस, तो अभी भर लिया हमने भरा, तो अभी जाना है हमने घरा, तो चलते हैं भरे के साथ घरा। तो आखिरकार हम पहुंच चुके हैं ठिकाने में, तो यहाँ पर रखना है अभी हमने भरा, और यहाँ पर लगाया हुआ है हमारा सांजा घास का, तो इसके साथ ही रख देंगे। तो गाइस अभी जो है घास धोने के बाद जो है अभी बहुत जोर की प्यास लगी है, तो अभी पानी पी लेते हैं अपने डिबरू में, ठंडे पानी रहा डिबरू, घुटी घुटू है पीना, क्या मज़ा है यार पानी पीने का। सो गाइस, तो अभी रेडी होके चल पड़े हम मार्केट की तरफ, तो थोड़ा सा काम है मार्केट में, तो उसके बाद फिर आना है अब वापस घर। गाइस अभी है हम गल्लू में, तो यहाँ पर चाट भंडार है, पीछे सामने दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर खानी हो तो संपर्क कर सकते हैं, चाट भंडार यहाँ पर मिलेंगे आपको, तो इस बंदे से संपर्क कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बड़े से तवे पर बनी हुई है टिक्कियाँ, वाह यार देखने में भी कितनी सुंदर लग रही है, स्वादिष्ट खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, खाने में कितनी स्वादिष्ट होगी।